इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन पे गाड़ी देख रहे हैं, ये है टाटा पंच लाइनअप की सबसे सस्ती पंच ICNG गाड़ी। 7 लाख के एक्स शोरूम प्राइस से ये गाड़ी शुरू हो जाती है और डिज़ाइन जो है मस्कुलर SUV डिज़ाइन दिया गया है टाटा पंच CNG की तरफ से। मेरी मानिए तो इस गाड़ी के आसपास भी कुछ नहीं है, मैं आपको बता दूँ क्यों। ये है CNG की बैजिंग, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, प्योर है, सबसे बेसिक मॉडल है और इसका डायरेक्ट कंपैरिजन होता है हुंडई की एक्स्ट्रा के साथ। हमारे पास कस्टमर आए, वो कह रहे हैं हमारे पास स्पेस ही नहीं बची कि कुछ और रखना चाहे या रखना चाहे तो कैसे रखे। तो चलिए अभी जो है इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, दिखने में बाहर से बेसिकली सेम ही लगती है और बेसिक वेरियंट में दो ही कलर्स आते हैं और एक ये कलर है, एक दूसरा कलर आता है, इसे वाइट कहते हैं, वो थोड़ा ऑफ वाइट सा आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें जो है 15 इंच के आपको टायर्स मिलते हैं और सीएट के टायर्स हैं और टायर्स की क्वालिटी जो है काफ़ी ठीक है, अच्छी है। बेसिकली इसका फीचर ये है कि ये स्टेबिलिटी प्रदान करे और साथ के साथ इसमें जो है आपको क्या मिले, रेंज वो ज़्यादा मिल पाए, यानी माइलेज, क्योंकि ये ICNG है, CNG पे ज़्यादा इसका फोकस है। और यहाँ पे अंदर से देख सकते हैं काफ़ी बेसिक सा और स्टेबल यहाँ पे दिया गया। देखिए यहाँ पे ICNG का ऑप्शन दिया गया और टाटा की ICNG सबसे बेहतर इस वजह से मानी जाती है क्योंकि अगर आपके पास पेट्रोल नहीं है तो ये CNG पे भी स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कोई भी म्यूज़िक सिस्टम नहीं दिया गया, AC दिया गया, हीटर के लिए आप ऑप्शन दी गई हैं और स्टेयरिंग पे सिर्फ हॉर्न है। इससे ऊपर वाले वेरियंट में जो है आपको यहीं पे ऑपरेशंस मिल जाएंगे, यहाँ से आप कॉल वगैरह उठा वगैरह सकते हैं, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ बेसिक है। तो मैंने जैसे आपको बताया CNG से ही सीधा स्टार्ट हो जाती है, आपको पेट्रोल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 गियर का जो है मॉड्यूल दिया गया, उसके साथ साथ जो है फ्रंट की तरफ स्पेस काफ़ी अच्छी है इस रेंज के हिसाब से किसी भी और गाड़ी के साथ करेंगे। और हाँ, यहाँ पे आपको 4 स्पीकर्स की ऑप्शन मिलती है, अगर आप कुछ पैसे और दे के कोई पैक लेके, रिदम पैक वगैरह लेके इससे अप्लाई कर सकते हैं, पर इसमें स्पीकर्स वगैरह बेसिक ही आते हैं, वो ट्वीटर्स वगैरह के साथ नहीं। तो 50 लाख गाड़ियाँ जो हैं टाटा बेच चुका है 1998 से लेके 2023 तक, ये उसी की बैचिंग है, उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ भी देखिए आप स्पीकर की ऑप्शन दी गई है और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि बैक की तरफ जो है आपको पावर विंडोज नहीं मिलती, तो आपको पुरानी गाड़ी की तरह इससे जो है हाथ से गोल गोल घुमा के ऐसे करना पड़ेगा। चलिए, ये चीज़ अगर आप समझिए कि जिस रेंज में आपको ये चीज़ें मिल रही हैं वो चीज़ बहुत अच्छी है। और पीछे की तरफ सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया, अब देखिए स्पेस काफ़ी अच्छी है और यहाँ पे जो है आपको ऊपर की तरफ काफ़ी स्टेबल। अगर आपको पता होगा कि टपंच को जो है ग्लोबल इनकैप की तरफ से पूरे 5-स्टार रेटिंग मिली है और ये चीज़ काफ़ी अच्छी रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आइसोफिक चाइल्ड स्पोर्ट, यानी कि अब अगर बच्चों के लिए भी देखा जाए तो काफ़ी सेफ है, बच्चों को 4 स्टार्स मिले थे और बड़ों के लिए 5 स्टार, इस वजह से इसे 5-स्टार रेटिंग मिली थी। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ भी बैक की तरफ से नहीं है और जो बैक के हेडरेस्ट है उसे भी फिक्सेबल नहीं है, आप सीट अपने हिसाब से जो है एडजस्ट नहीं कर सकते हेड वाली, तो वो देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल खाली है और वहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको दिखेगा आराम से कि यहाँ पे स्पीकर इंस्टॉल होते हैं, अगर आप पैसे और लगाएंगी तो आप स्पीकर भी और लगा सकते हैं, ठीक है। पर मैंने आपको बताया ये बिल्कुल कम रेंज में टाटा की तरफ से जो है ऑफ़र की जाने वाली गाड़ी है और CNG मेन इसका पर्पस है कि आपको एक अच्छी माइलेज मिल पाए। और चलिए पीछे की तरफ भी आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे ICNG की जो है बैचिंग मिल रही है, मुझे काफ़ी कूल लगती है वैसे ये ICNG की बैचिंग। और ये देखिए वोकल फॉर लोकल CNG यहाँ पे लिखा हुआ है, तो चलिए इसे ओपन करते हैं। और यहाँ पे राइनो की जो है बैचिंग आपको मिलती है, पीछे की तरफ जो है नॉर्मल हेडलाइट्स मिलती है, ये LED नहीं है, ये फॉग है और काफ़ी स्टेबल है। टाटा का लोहा तो वो भी हर कोई मानता है, ऑपोजिट पार्टीज भी मानती हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं, चलिए इसे ओपन करते हैं। ये गाड़ी का दूसरा सबसे प्लस USP पॉइंट है, मतलब आप समझ लीजिए अगर आप नहीं भी पेट्रोल है तब भी गाड़ी चार्ज हो रही है, ये चीज़ अच्छी है। पर यहाँ पे CNG गाड़ी होते हुए भी आपको बूट स्पेस मिल रही है। मैं टाटा के जो है सेमिनार में गया था तो वहाँ पर कोरियन और जैपनीज इन गाड़ियों को देख रहे थे कि यार CNG गाड़ी होने के बावजूद आपके पास बूट स्पेस कैसे बचता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा बूट स्पेस जो है आपको मिलता है, मतलब ये नहीं है कि नॉर्मल पेट्रोल या डीजल गाड़ी जितना, पर फिर भी बिल्कुल ना मिलने से अच्छा है। यहाँ हमारे पास कस्टमर आए, उन्होंने मैंने जैसे आपको बताया एक्स्ट्रा बाइक की CNG में,
तो ये आपको शेफल ट्री मिलती है साथ में कुछ हल्का फुल्का सामान रखने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि मेरा बूट स्पेस है ही नहीं, मैं हल्का सा बैग रख दूँ तब फंस जाता है। तो इसमें देखिए कितना अच्छा है, मतलब दो ट्विन सिलेंडर वाला जो है टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, 2024 वाला मॉडल है। और स्पेस देखिए अंदर की तरफ जो है स्पेस आपको काफ़ी खुला डुला मिलता है। इससे नीचे जो है टियागो में भी ये फीचर आ चुका है, इससे ऊपर वाले में भी आ चुका है। पर अगर आपको कम रेंज में चाहिए और 5 स्टार रेटिंग के साथ चाहिए तो ये गाड़ी आपके लिए बेहतर रहेगी। और देखिए मैं अभी आपको बूट स्पेस दिखाता हूँ, ये देखिए मेरी हाइट जो है 5'8" है, और मेरे हिसाब से भी जो है आप देख सकते हैं, पहले मैंने खुद ही बोलने की कोशिश की पर साउंड जो है काफ़ी ज़्यादा शोर था तो इस वजह से डबिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सेफ्टी भी पूरी है और टेक्नोलॉजी के वाइज भी जो है काफ़ी यूएसपी पॉइंट है। मेरे हिसाब से दो ही प्लस पॉइंट है इसमें, एक जो है आपका ICNG जो ऑटोमेटिकली स्विच भी हो जाता है पेट्रोल टू ICNG, CNG तो पेट्रोल ऑटोमेटिकली स्विच होगा। यहाँ पे देख सकते हैं स्पेस है कुछ रखने के लिए, 12 वॉट का सॉकेट दिया गया, आगे की तरफ भी जो है 12 वॉट का सॉकेट दिया।